हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि 2022 में सामा चकेवा कब है। जी हाँ, सामा चकेवा 2022 सामाजिक बुराइयों का नाश, सामा चकेवा में होने वाले सारे कार्य, सामा चकेवा से जुड़ी हुई कथा। समय अपनी प्रवृत्ति से आधुनिक होता जा रहा है और इस आधुनिकता की दौर में कई ऐसे त्यौहार गायब हो गए हैं जिन्हें लोग अब जानते ही नहीं हैं। परंतु बिहार में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आज भी कई ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो पुरातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इन्हीं पुरातन परंपराओं से जुड़ा हुआ एक लोक नाट्य है जिसे कि सामा चकेवा कहा जाता है, जिसे बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। ये त्यौहार एक प्रकार से भाइयों और बहनों का त्यौहार है। सामा चकेवा बिहार का एक काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। ये एक लोक नाट्य है जिसे बिहार में हर साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की समाप्ति से लेकर पूर्णमासी तक किया जाता है। इस लोक नाट्य में कुमारी कन्या अद्भुत अभिनय प्रस्तुत करती हैं। अभिनय में कन्याओं द्वारा सामा अर्थात श्याम तथा चकेवा की भूमिका निभाई जाती है। इस लोक नाट्य में सामूहिक रूप से गीतों में प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर के माध्यम से विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाता है। विशेष तौर पर मिथिला में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हुए इस प्रसिद्ध लोक उत्सव को मनाते आ रहे हैं। इस लोक नाट्य के दौरान न केवल अभिनय किया जाता है बल्कि सामा चकेवा पूजा का प्रारंभ भी किया जाता है। छठ के खरना दिन से ही पूजा प्रारंभ हो जाती है और छठ के आखिरी दिन सामा चकेवा के रूप में अभिनय करती हैं। पूरे मिथिला में सांस्कृतिक लोक गीत गाए जाते हैं और छठ के साथ ही इसकी भी पूरी तैयारी की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को सामा चकेवा का विसर्जन कर दिया जाता है। सामाजिक बुराइयों का नाश। सामा खेलने के दौरान शुक्ला चुगली को जलाया जाता है। इसको जलाने के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि अपने के प्रतीक के साथ साथ सामाजिक बुराइयां भी खत्म हो जाए। सामा चकेवा की मूर्तियां होती है जिन्हें बहुत ही प्रेम से पूजा में शामिल किया जाता है और आखिरी दिन पर इन्हीं का विसर्जन किया जाता है। सामा चकेवा में होने वाले सारे कार्य। सामा में सामा चकेवा का बहुत ही अद्भुत श्रृंगार किया जाता है और खाने के लिए धान की बलिया दी जाती है। जैसे ही शाम होती है गांव की लड़कियां और महिलाएं अपनी सखी सहेलियों की टोली बनाकर घरों से बाहर निकलती हैं और हाथ में बांस की बनी चंगेरों में मिट्टी की बनी सामा के साथ बाकी मूर्तियां जैसे कि पक्षी मूर्तियां आदि रखी जाती हैं। रात में युवतियां खुले आसमान के नीचे शीत पीने के लिए छोड़ देती हैं। इस खेल के माध्यम से बहनें अपनी भाभियों पर कटाक्ष भी करती हैं और प्रताड़ित बहन की पीड़ा को भी दर्शाती है। भाभियों की तरफ से भी लोक नाट्य में अभिनय पेश करते हुए उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रकार लोक नाट्य काफ़ी मनोरंजक हो जाता है। सामा चकेवा से जुड़ी हुई कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पुत्री श्यामा की ऋषि कुमार चारुदत्त से शादी हुई थी। श्यामा जिसे सामा भी कहा जाता है, वे रात में अपनी दीदी के साथ वृंदावन ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए उनके आश्रम में जाती थी। इस बात का पता श्री कृष्ण के दुष्ट मंत्री जबर को लग गया। उसने कुमार चारुदत्त को श्यामा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और झूठी बातें बताने लगा। ऐसी बातें सुनकर चारुदत्त को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को
सुनाने लगा। श्री कृष्ण ने गुस्से में श्यामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। श्यामा का ये रूप देखकर कुमार चारुदत्त ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान महादेव को प्रसन्न करके उसने भी पक्षी का रूप। ये जानकारी जब श्यामा के भाई श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को हुई तो उसने अपनी बहन बहनोई के उद्धार के लिए श्री कृष्ण की आराधना आरंभ कर दी। श्याम ने श्री कृष्ण से वर मांगा और वरदान मांगने पर श्री कृष्ण को सारी सच्चाई पता लग गई। उन्होंने चारुदत्त और श्याम को श्राप से मुक्त प्राप्त करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्यामा एवं चारुदत्त मूर्ति बनकर गीत गाए और कारगुजारियों को उजागर करे। इस तरह करने से श्यामा श्राप से मुक्त हो जाएगी। उन दोनों ने ऐसे ही किया और चारुदत्त और श्यामा की मूर्ति बनाकर गीत गाए तथा शिव की मूर्ति बनाकर सामा चकेवा से जुड़े हुए अन्य तथ्य। सामा चकेवा के समय सभी लोग लोक नृत्य पेश करते हैं तथा संस्कृत के सबसे दिलचस्प पहलू अभिनय के द्वारा पेश करते हैं। अधिकांश लोग नृत्य के साथ साथ आम जनजीवन भाई बहन के प्यार को अभिनय द्वारा पेश करते हैं। अभिनय में ज़्यादातर महिलाएं ही भाग लेती हैं और सारे दृश्य वही पेश करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्व सबसे पहले श्री कृष्ण के पुत्र ने अपनी बहन की खुशहाली के लिए मनाया था, तभी से इसको मनाने का चलन है आती है और शाम के समय इसे सजाया जाता है। लोक गीत गाए जाते हैं और भाइयों के सुखद जीवन की कामना करते हुए महिलाएं काफ़ी खुशी से झूम झूम कर नाचती गाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक रोज ऐसे ही किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन महिलाएं वस्त्र और अन्य सामान के साथ सामा की विदाई करती हैं। सामा चकेवा 2022। सामा चकेवा का आरंभ 31 अक्टूबर 2022 को सोमवार के दिन से होगा। सामा चकेवा की समाप्ति 8 नवंबर 2022 को मंगलवार के दिन होगी।